ईजा ने एक पार्टी रखी है। हमारे घर में जब भी कोई शादी होती है उसके बाद एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। अदिति और तुम्हारी शादी के बाद भी ऐसा ही हुआ था? तैयार हो जाओ। छुपा रहा है कबीर? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं टॉवल लेने आई थी। जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे कहीं भी लेट पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं। कबीर जरूर कुछ छुपा रहा है मुझसे।
आप सब मेरी बहू से तो मिले हैं, लेकिन एक बात है जो आप लोग नहीं जानते, मेरी परी बहुत अच्छा गाती है। मैं परी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हम सबको एक गाना सुनाए। हिजाब, मैं सबके सामने प्लीज, मेरा गला खराब है। ये बहाना बहुत पुराना हो चुका है अतिथि, इस घर की हर बहू को गाना गाना पड़ता है भाई, रसम है। मैंने भी गाया था शादी के बाद। एक्चुअल में क्या गाया था? वो तो अच्छा, उस दिन मैंने अपने कान में रुई डाल ली थी। चलिए परी, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आदि दीदी प्लीज गाओ ना, आदि दीदी प्लीज गाओ ना। कहाँ खो गई आप? कबीर बेटा, जाइए परी को ले गई। डांस टाइम, और आज की पार्टी का पहला डांस वो करेंगे जिसकी वजह से पार्टी रखी गई है। नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, कबीर भैया और आदिति दी। आप सब लोग तो जानते ही हैं, पहली बार परी ने हम सबको एक गाना सुनाया था और बहुत ही अच्छा गाया था। आज मैं चाहती हूं कि वही गाना परी दोबारा हमें सुनाए, और मुझे पूरा यकीन है कि परी मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगी। गाइए ना परी। ईजा, आज ना आदित्य भाभी का गला खराब है। ये बहाना तो इन्होंने पहली बार भी बनाया था। ईजा, लोग आज थोड़ा अलग मूड में है मस्ती के, उन्हें डांस वांस करने दीजिए ना। कबीर, डांस तो होता रहेगा, लेकिन मुझे आज गाना सुनना है। परी, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? गाना तो मुझे याद है कबीर, पर ये गाना नहीं था। देखो, मुझे सब याद है। शादी के बाद पहली बार कौन सा गाना गाया था, किस गाने पर डांस किया था। वो डांस मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता हूँ। हाँ। क्या डांस था, शर्म से मुझे अपना मुंह छुपाना पड़ा था। चुप करो, कुछ भी बोल देते हो। क्या बात है परी, आपको याद नहीं है आपने क्या गाया था? ईजा, उस बात को तो बीते हुए कितने दिन हो गए ना,
अब तक तो अदिति भाभी ने कबीर भाई साहब के लिए ना जाने कितने गाने गा दिए होंगे। भाभी थोड़ी कंफ्यूज हो गई होंगी। और वैसे भी ईजा, ये ना मेरा मनपसंद गाना है, तो प्लीज इन्हें गाने दीजिए ना। बात इतनी भी पुरानी नहीं है कि परी भूल जाए। वो तो परी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसकी यादें ऐसी धुंधली नहीं पड़नी चाहिए। मुझे वो डांस वाली सिचुएशन किसी तरह अवॉइड करनी चाहिए थी। अदिति की डायरी तुमने तो पहले पढ़ी है, इसे रख लो। अदिति इसमें सब कुछ लिखा करती थी। उसके जीते जी उसने किसी को देखने नहीं दी, मुझे भी नहीं। उसके जाने के बाद मैंने भी इसे कभी खोल कर नहीं देखा। इसमें क्या लिखा है इसे पढ़ोगी तो तुम्हें कई ऐसी बातें पता चलेंगी जो तुम्हें अदिति बने रहने में मदद कर सकती। आज जैसी गलती होने का चांस कम हो सकता है।